हेलो गाइस, कैसे हो आपको सभी को सौरभ नर्सरी में स्वागत है। अगर आप मेरे सौरभ नर्सरी का यूट्यूब चैनल देखते हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी को आज दिखाने जा रहा हूँ करोटन कितने तरीके के होते हैं, करोटन कहाँ कहाँ रखे जाते हैं, कौन सी जगह रखोगे उसमें कैसा असर आएगा और कौन सी जगह रखोगे तो कैसा असर आएगा। ओके, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये बेबी करोटन बोलते हैं इसको। देखो कितना बाहर रखोगे तो ऐसे कितना पीला पीला छांट आ रहा है इसमें, और उसके अंदर रखेंगे अगर ग्रीन के अंदर या घर के अंदर तो ग्रीन रहेगा ज़्यादातर। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है और कितना मस्त लग रहा है, पूरा प्लांट देखिए आप। और इसी में एक और कलर, इसी का कलर आपको देखना है तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, इसमें देखो बहुत ही कम छांट है और इसमें ग्रीन के अंदर है इसलिए इसमें कम पीला है, और बाहर रखोगे तो ज़्यादा पीला हो जाएगा। इसमें एक और करोटन आता है इससे बड़ा वाला, मोटा करोटन बोलते हैं, दिखाता हूँ आपको अभी। देखो करोटन, ये वाला करोटन है ना, इसमें ग्रीन ज़्यादा है पीला कम है। ये करोटन घर के अंदर रखोगे तो ग्रीन कम रहे, ग्रीन ज़्यादा रहेगा और पीला कम होगा। बहुत ही अच्छा करोटन चलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मोटा करोटन बोलते हैं। देखो इसमें कम छांट है, ये ग्रीन के अंदर है, घर के अंदर रखोगे तो कम छांट रहेगी और बाहर रखोगे तो बहुत ज़्यादा पीला हो जाएगा। उसको भी हम आपको दिखाते हैं अभी कितना छांट आता है इसके ऊपर। देखो ये रखा है, देखो ये कितना पीला है, इसमें छांट भी देखो एक एक पान पे कितना है। ये देखो बहुत ज़्यादा छांट है, उसके अंदर रखोगे तो बहुत कम छांट रहेगी, ये बाहर रखा है तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा छांट आती है। और ये पूरा खुला धूप में है, देखो आपको बिल्कुल दिखाता हूँ, ये खुला धूप में है इसलिए इसको पीला ज़्यादा हो जाता है। और अंदर रखा हुआ एक और करोटन आपको दिखाना चाह रहा हूँ अभी आप। इसको आप पेट्रा करोटन बोलते हो, इसके अंदर रखोगे ग्रीन के अंदर या घर के अंदर तो कम पीला शेड आता है और कम कलर चेंज करता है। ये घर के अंदर रखा जाता है और बाहर भी रखा जाता है। इसमें देखो कितना डिफरेंस है। अभी हम आपको दूसरा प्लांट दिखाते हैं, फिर इसमें ऐसा थोड़ा थोड़ा पीला होगा, उसके बाद लाल होगा, उसके बाद ब्लैक होगा, ब्लैक होके इसके पान निकल जाते हैं। और पूना से माल आता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है। अब दूसरा इसका भाई दिखाता हूँ, देखो ये दूसरा है। ये देखो पीला पान हो गया, ग्रीन निकला था इसमें से, पूरा पीला हो गया अभी से। और पीला देखो कितना ज़्यादा ज़्यादा है, पीला होने के बाद ये लाल हो जाता है और लाल होने के बाद ये ब्लैक हो जाता है, ब्लैक होने के बाद ये गिर जाता है। बहुत ही अच्छा करोटन है, इसमें और भी क्वालिटी आती है आपको दिखाता हूँ। इसको ब्लैक करोटन बोलते हैं, नाना बेरल करो, ब्लैक करोटन नाना। ये देखो कितना, उसके अंदर रखोगे कम ब्लैक रहेगा और रखोगे बाहर लाल और ब्लैक बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये भी करोटन रखा है, इसको सॉकर करोटन बोलते हैं। और इसलिए सॉकर करोटन बोलते हैं, इसकी पत्ती इठी हुई आती है बहुत ही ज़्यादा, देखो सब में इठी हुई है, इसके लिए सॉकर करोटन बोलते हैं इसे। बहुत ही अच्छा ये भी लगता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट मिलेंगे आपको सौरभ नर्सरी में, ये सब प्लांट रखे हैं देख सकते हो आप। अगर मेरे चैनल को देखते हो और नई नई रोजीना वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो में डालेंगे वो आपको तुरंत मिलेगी। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।